क्या आप भी 20 किलो वजन तक घटाना चाहते हैं, वो भी अपना मनपसंद खाना खाते हुए? अगर चटोरे हैं तो आप सबको भी खाने का बहुत शौक होगा, वो भी खास करके ऐसी चीजें जैसे कि टिक्की है, चाट पापड़ी है, दही भल्ले है, कुलचे छोले और तो और पराठे भी। इन सारी चीजों को खाते पीते रश्मि जी ने 20 किलो वजन घटाया है बहुत ही कम समय में। तो अगर आप लोग वो सारे चटोरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी चटोरी क्लाइंट रश्मि जी की तरह आप भी पतले हो सकते हैं, क्योंकि वही डाइट प्लान शेयर करने के लिए आज मैं आई हूं आप सबके साथ में। अगर आप भी उनमें से हैं जो एक बजट फ्रेंडली डाइट प्लान ढूंढ रहे हैं बिना ज्यादा खर्चे के, घर में पड़े सामान से ही एकदम बढ़िया और टेस्टी खाना बनाने की फिराक में है और वजन तो कम करना ही है, तो ये वाला डाइट प्लान है एकदम परफेक्ट आप लोगों के लिए। क्योंकि रश्मि जी के पास ज्यादा समय ही नहीं होता था अपने लिए कुछ भी डिफरेंट सा बनाने के लिए, लेकिन इनकी पूरी फैमिली बहुत ही शौक से खाती है बाहर का खाना, जो ये भी खाती थी। लेकिन जब मेरी रेसिपीज ट्राई करी तो बहुत ही टेस्टी लगी, इनके घर वालों का भी बाहर का खाना छूट गया और इनका तो 20 किलो वेट लॉस हुआ ही है। रश्मि जी और आप में एक बड़ी ही कॉमन चीज है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो बिल्कुल रश्मि जी की ही तरह चटोरेपन के होते हुए अपने सारे गलत हैबिट्स का शिकार थे। कभी चाट खा ली, कभी पकौड़े खा लिए, कभी कचौड़ी खा ली, कभी पेड़ा खा लिया और तो और कभी रबड़ी और जलेबी खा ली। इन्हीं सब आदतों के चलते वजन कम ही नहीं हो रहा था, मन मान ही नहीं रहा था कि पतले होना भी है। लेकिन हर किसी के ऊपर कुछ ना कुछ बीतती है तो उसका मन पक्का हो ही जाता है। रश्मि जी के साथ भी यही हुआ और जब उन्होंने ठानी तो मैं पीछे नहीं हटी, क्योंकि मैंने उनको मोटिवेट भी करा, उनको अच्छे से मॉनिटर भी करा। रोज उनकी फोटोज आती थी खाने की और देख के मैं बहुत खुश होती थी कि देखिए कितनी जल्दी इन्होंने अपने आप को ढाल लिया है और कितने हेल्दी तरीके से अपना वेट लॉस कर रही हैं। और बहुत ही जल्दी इन्होंने 20 किलो वजन घटा लिया। वही मैजिकल डाइट प्लान रश्मि जी का मैं शेयर करने आई हूं आप सबके साथ। रश्मि जी एक छोटे शहर मथुरा से बिलोंग करती हैं, जहाँ पे दूध और घी की तो नदियां बहती हैं। वहां पर सुबह से लेके शाम तक बहुत ही बढ़िया एकदम देसी घी में बना हुआ खाना पकता है और इतना हैवी खाना खा करके कौन कभी पतला हो सकता है। रश्मि जी के साथ भी यही था, वो पूरे दिन अपना मन मर्जी जो भी मन करता था खाती रहती थी और ऐसे ही उनका वजन पुट ऑन होता चला। लेकिन ये बड़े ही रिस्पेक्टेड प्रोफेशन को बिलोंग करती हैं। रश्मि जी एक टीचर हैं, लेकिन जब इनको रियलाइज हुआ कि उस रिस्पेक्टेड प्रोफेशन में होते हुए भी उनकी रिस्पेक्ट नहीं है, उनके कोलीग्स और जो बच्चे जिनको ये पढ़ाती हैं वो ही इनका मजाक उड़ाते हैं, तो इनके दिल पे बहुत ज्यादा चोट पहुंची। इनको बहुत बुरा लगा कि जब ये सीढ़ियां चढ़ने की कोशिश करती थी सिर्फ पहली मंजिल पे जाने के लिए हाथ में किताबें लिए, तब बच्चे इनका मजाक उड़ाते हुए इनसे पूछते थे, मैम आपको हेल्प चाहिए, फर्स्ट फ्लोर तक आपके लिए बुक्स पहुंचा दें। तो रश्मि जी के पास अपनी किताबें उनको पकड़ाने के अलावा कोई हल ही नहीं था। लेकिन उनके दिल पे बहुत ही चोट लगती थी जब उनके कोलीग्स ही उनका मजाक उड़ाते हुए कहते थे, रश्मि तुम तो ऐसा लगता है कि 60 की हो गई हो, अब रिटायर हो रही हो क्या? अब उनका वजन इतना ज्यादा था तो जाहिर सी बात है मेडिकल इश्यूज भी थे, उनको घुटने के दर्द की प्रॉब्लम थी, वो ठीक से बैठ भी नहीं पाती थी और उनको इनडाइजेशन की भी प्रॉब्लम थी, साथ ही साथ उनको अस्थमा की भी प्रॉब्लम थी और बहुत सारी दिक्कतें थी। अब इन सारी समस्याओं से जूझने के अलावा उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो पतली होएं तो कैसे होएं। लेकिन उनको अपने हस्बैंड का पूरा पूरा सपोर्ट था। जब भी वो घर आके कोई उनको इस तरह से स्टोरी सुनाती थी कि देखिए आज ऐसा हुआ, स्कूल में वैसा हुआ, तो रोज रात को इनके हस्बैंड खूब सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के रश्मि जी के लिए फुल फैट दूध का एक ग्लास भर के बनाते थे, उसको पीती थी रश्मि जी और उनको लगता था कोई मुझे सीरियसली नहीं लेता, मैं सच्ची में पतले होना चाहती हूँ, करूँ तो क्या करूँ। मेरे साथ एक इंटरव्यू के दौरान रश्मि जी ने ये तक कबूला कि उनको कभी विश्वास ही नहीं होता था कि वो डबल एक्सेल साइज से कभी मीडियम साइज पहनेंगी भी, और आज वो मीडियम साइज पहनती हैं। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो आइए सुनते हैं रश्मि जी की जुबानी। मैम मेरा नाम डॉक्टर रश्मि अग्रवाल है, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ कॉलेज में और मेरा बिजनेस भी है और मेरी उम्र 42 है और जब मैंने ज्वाइन किया था तब 80 केजी था और मेरा मेनोपॉज भी हो चुका था 35 एज पे आफ्टर बिफोर 7 इयर्स 6 टू 7 इयर्स, तो मैं तो होप छोड़ ही चुकी थी कि मेरा कभी वेट लॉस भी होगा
और जिस टाइम पे मेरा वेट 80 केजी था, मुझे नर्व्स कंप्रेशन की शिकायत आने लगी थी, मैं इवन चल भी नहीं पा रही थी। तो ना मैं बैठने की सिचुएशन में थी, ना मैं खड़े होने की सिचुएशन में थी उस टाइम पे। तो मैंने 80 केजी पे सोचा कि मुझे कैसे भी काम करना है अगर मुझे अपनी लाइफ को आगे चलाना है। तो रश्मि जी ये बताइए कि आपको मेरे बारे में कहाँ से पता चला? मैंने आपकी वीडियो देखी थी यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे को बहुत सारी वीडियोस मिलती थी, लेकिन मुझे जो आप क्लिक किया ना, आपका एक तो जो पास्ट का फोटो और अब प्रेजेंट का फोटो, प्लस आपका सेम एज फैक्टर एंड प्लस आपका जो डाइट्स का जो एक आप देते थे वीडियोस, वो मुझे बहुत इम्प्रेसिव लगा कि आप डाइट बना के दे रहे हो। वो चीजों से ना हम एक मीडियस को या फिर हम लोगों को बहुत हेल्प हो जाती है कि हमें करना कैसे, हम कुछ चीजें गलत नहीं कर रहे हो। तो वो चीजों के लिए मुझे आपका बहुत पॉजिटिव लगा, बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो, उससे मैं अट्रैक्ट हुई और मैंने वो यूट्यूब से आपको कॉन्टैक्ट करी, फिर मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, फिर आपने मुझे गाइडेंस दी कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, और फिर मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया, आपसे आपने मुझे डाइट प्लान दिया, फिर मैंने उसको फॉलो किया, आपने मुझे लिंक भेजते थे डाइट प्लान के साथ में, वो लिंक पे मैं क्लिक करती थी तो आपकी पूरी इंस्टाग्राम और यूट्यूब के थ्रू वीडियोज चलती थी, उसके थ्रू मैं अपनी सारी कुकिंग करती थी। रश्मि जी कुछ ऐसा किस्सा बताइए जिससे पता रहे कि यही आपकी मोटिवेशन थी वेट लूज करने के लिए। आपके ऊपर क्या बीती थी, जब ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपको लगा कि बस अब तो अंत है, अब तो वेट लूज करना ही करना पड़ेगा? मैम, एट द एज ऑफ 40 प्लस मुझे सभी लोग यही बोलते थे कि तुम तो 60 प्लस लगने लगी हो, और तुम तो तुम्हारे पास बड़ा पागल, तुम तो बैठ भी नहीं पा रही। मैं बैठ कहीं चली थी तो जमीन में बैठ भी नहीं पा रही थी, तो सब लोग बोलते थे कि अरे बेटी की शादी नहीं हुई और तुम तो अभी से इतनी बड़ी लगने लगी हो, और तुमको तो कुछ भी नहीं हो रहा। तुमको मेरे लिए बहुत कंफ्यूजिंग वाला था कि मीन्स इतनी एजेड हो गई थी इतनी छोटी उम्र में, वो लोग कॉम्प्लीमेंट करते थे कि हाँ चल भी लगता, मुझे लगता था कि मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मेरे वर्क प्लेस पे इवन वो मेरा जो डिपार्टमेंट है वो सीढ़ी चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे है। तो मुझे बहुत टाइम है ना ऐसा होता था कि बच्चे स्टूडेंट्स मिल रहे हैं रास्ते में, तो मेरी बुक्स वगैरह या फिर मेरा पर्स भी इवन मैं कैरी करके ऊपर तक नहीं ले जा पाती थी, और मैं घुटनों पर हाथ रख के पक चढ़ पाती थी स्टेयर्स भी, तो बच्चे मुझे हेल्प करते थे, मैम हम हाथ पकड़े या हम आपकी बुक कैरी करके ऊपर रख जाते हैं, तो मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता था कि मेरी ये हो गई अभी से ही 40 प्लस में, मैं ऊपर भी नहीं चढ़ पा रही हूँ। और इवन तो इसके चक्कर में मेरे को बहुत खांसी भी मिली थी, बहुत ज्यादा मेरे ऊपर मजाक उड़ाया गया था कि तो चला ही नहीं जाता है। मुझे बहुत सी चीजें ऐसी लगती लगी थी कि मुझे करना है, एनी हाउ अभी मुझे चैलेंज लेना है कि मुझे ये पतले होके ही दिखाना है, स्लिम ही होना है, क्योंकि मेरे को ये मोटापा वाला जो कमेंट था बहुत चुभने लगा था। अब रश्मि जी ये बताइए, जब आपने मेरा डाइट प्लान शुरू किया, क्या आपको कहीं पर भी दिक्कत महसूस हुई, या क्या कहीं पर भी आपको ऐसा लगा कि बहुत ज्यादा मुश्किलात आ रही है, पता नहीं मैं कैसे कर पाऊंगी? मेरे वर्किंग लाइफ है बहुत ज्यादा, मैं सुबह 9:30 कभी कभी एग्जाम ड्यूटी होती थी तो सुबह 6:30 पे निकलना पड़ता था, तो मेरा अर्ली मॉर्निंग शुरू हो जाती है रूटीन लाइफ, उसके बाद मैं कॉलेज जाती हूँ, उसके बाद मैं बिजनेस जाती हूँ, फिर मैं रात को 10 बजे ही घर में घुसती हूँ। तो उस टाइम पे मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती थी कि मैं किस तरह से आपकी डाइट को फॉलो करूँ, किस तरह से मैं आपकी चीजों को बना सकूँ। तो फिर मैंने आपसे चीजें डिस्कस भी की, मुझे दिल्ली भी जाना पड़ता था परचेजिंग के लिए, तो उस टाइम पे पॉसिबल नहीं था मैं 4 टाइम का मील प्रॉपर ले सकूँ, तो उस टाइम पे आपने मुझे बहुत हेल्प किया कि किस तरह से मुझे टिफिन प्रिपेयर करना है, किस तरह से मैं लॉन्ग टाइम के लिए अपने फ्रिज में स्टोर कर सकती हूँ आइटम्स को, और किस तरह से मेरे को अपने जो प्रॉपर मील है उसको हेल्दी बनाना है, अगर मैं बाहर हूँ तो मुझे किस चीज को ऑप्ट करना चाहिए जिससे कि वो हेल्दी भी रहे और मुझे वो चीजें मेरी कैलोरीज भी प्रॉपर डे वाइज मिलती रहे। और रात को 10 बजे आके भी मैं अपना पेट भरा हुआ फील करती थी, ऐसा नहीं था कि मैं आके खाने पर टूटूं, तो वो चीजें आपने मुझे गाइड किया प्रॉपर, 4 टाइम का मील भी दिया मुझे अपने, पेट भी भरा हुआ लगता था। तो रश्मि जी आप इतनी चटोरी हैं कि आपको कोई चीट डे मिला कि नहीं अपने मनपसंद खाना खाने के लिए, और अगर मिला भी तो उसके बारे में बताइए जरा। समटाइम्स मुझे लगता था कि आज बहुत मन करा छोले भटूरे खाने का, तो आपने मुझे चीट डे भी दिया बीच में, तो वो चीजें मुझे बहुत मोटिवेटेड लगी, और मुझे किसी भी चीज की क्रेविंग्स नहीं होती थी कि मेरे को बहुत चीजें खानी है, क्योंकि आपने टाइम टाइम पे बाबाजी खिलवाई मुझे, छोले भटूरे खिलवाए, पूरी सब्जी भी खिलवाई, और आपने मुझे डोसा भी खिलवाया, आपने मुझे मैक्रोनी भी खिलवाई, पास्ता भी खिलवाया, आपने मुझे सभी बर्गर भी खिलाया, तो आपने मुझे सारी चीजें खिलाई थी उस जर्नी में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसी चीजों में कोई दिक्कत नहीं आई। इवन चाट भी खिलवाई आपने मुझे, जो मथुरा की फेमस चाट भी होते, टिक्की बन गई और चना चाट, सब चीजें आपने खिलवाई,
तो मेरे हस्बैंड ने भी बहुत शौक होकर खाया। अब समय आ गया है वो वाला मजेदार शानदार बजट फ्रेंडली बिल्कुल भी एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स बिना इस्तेमाल करे हुए बनाया गया डाइट प्लान, जिसको फॉलो करके रश्मि जी ने 20 किलो वजन घटाया। अब तो आपको पक्का ये वाला डाइट प्लान अंत तक देखना ही पड़ेगा। रश्मि जी सुबह सुबह उठती थी स्कूल जाने के लिए और उसी समय वो लेती थी अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। उनको हर हफ्ते मैंने दी थी अलग अलग मॉर्निंग ड्रिंक्स, क्योंकि उन्होंने मेरा वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन किया था समर्स में। तो पहले हफ्ते मैंने उनको दिया धनिया की सीड्स का पानी। रात को ही धनिया की सीड्स को भिगो के रख दिया था एक छोटा चम्मच एक ग्लास पानी में, और सुबह उस पानी को उबाल के लेने से उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। उनकी बहुत प्रॉब्लम थी कॉन्स्टिपेशन की, जो बड़ी ही आसानी से सॉल्व हो गई। तो ये वाला पानी लेते ही जादुई कमाल होने लगा रश्मि जी के लिए। फिर अगले 3 हफ्तों के लिए उन्होंने यही वाला पैटर्न फॉलो किया। उसके बाद कभी कभी मॉर्निंग ड्रिंक में मैं उनको देती थी चिया सीड्स वाटर, और कभी कभी वो लेती थी सफेद पेठे का जूस। इन तीनों ड्रिंक से उनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, लेकिन एक ड्रिंक को उन्होंने लगातार 2 से 3 हफ्ते तक जरूर लिया था। तो आप लोग भी अपना मनपसंद कोई भी एक अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक चूज कर सकते हैं। आइए आपको दिखाती हूँ रश्मि जी के नाश्ते में क्या था। अब जाहिर सी बात है, रश्मि जी टीचर है तो कहाँ घर से नाश्ता करके जा सकती है, और मैं चाहती भी नहीं थी कि वो नाश्ता ले। इतना बढ़िया सुबह जो उन्होंने डिटॉक्स वाटर लिया है उसके 1 घंटे बाद ही अगर वो कुछ खाएं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने के पूरे पूरे चांसेस थे। इसलिए मैंने रश्मि जी को कहा था कि आपके स्कूल में अगली ब्रेक कब होती है वो हमें बताइए। उन्होंने कहा सुबह 9 बजे। तो अब वो अपना नाश्ता लेती थी रोज सुबह 9 बजे, घर से बना के ले जाती थी। सबसे पहला ऑप्शन रश्मि जी लेती थी ओट्स के चीले की, जिसमें एक चीले में वो डालती थी तकरीबन 30 ग्राम ओट्स, 50 से 60 ग्राम बारीक बारीक कटी हुई सब्जियां, और स्पाइसेस के तौर पे सिर्फ नमक और काली मिर्च। इन सब का मिश्रण बना के रात को ही फ्रिज में रख सकते हैं। सुबह इसका चीला बनाइए, हरा धनिया कटा हुआ डाल दीजिए और मजे से अगले दिन नाश्ते में खाइए, या तो गर्मा गर्म या फिर टिफिन में हरी चटनी के साथ में। ये वाला नाश्ता रश्मि जी को बहुत ही टेस्टी लगता था। तो एक हफ्ते में 7 दिन में से कम 2 से 3 दिन वो यही लेती थी। बाकी के दिन वो खाना पसंद करती थी पोहा। पोहा भी ऐसा जिसके अंदर 50 ग्राम तक पोहा हो और कम से कम 100 ग्राम तक सब्जियां, या फिर कभी वो डालती थी पीनट्स या फिर स्प्राउट्स प्रोटीन के सोर्स के लिए, और ये भी बहुत मजे से खाती थी वो। इसके बाद तीसरा ऑप्शन मैंने उनको दिया था एप्पल और पपाया की स्मूदी का। उन्होंने कभी स्मूदी पी नहीं थी, लेकिन ट्राई करने से पीछे नहीं हटी, और जैसे ही ट्राई किया उनको तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया। उन्होंने कहा इसको लेकर तो और भी ज्यादा लाइट और एनर्जेटिक फील होता है, तो कम से कम हफ्ते में 2 बार तो ये मैं जरूर लूंगी। तो यही तीनों ऑप्शंस उन्होंने लिए थे नाश्ते में और बेहद अच्छे रिजल्ट्स मिले। लेकिन कभी कभी जब उनका मन करता था तो मैं उनको सैंडविच भी देती थी, खूब भर के सब्जियों के साथ में एक मोटी स्लाइस पनीर की। कम से कम 50 ग्राम पनीर उनको अलाउड था। बहुत ही टेस्टी नाश्ता वो लेती थी स्कूल में रोज सुबह 9 बजे। अब स्कूल में जो अगली ब्रेक होती थी वो होती थी उनकी 11 बजे। रश्मि जी को 2 घंटे हो चुके हैं नाश्ता खाए हुए, तो इस टाइम पे वो कम से कम या तो सिर्फ फ्रूट्स लेती थी या फिर कोई ऐसी ड्रिंक जिससे एकदम रिफ्रेश्ड फील हो, जैसे कि आम पन्ना, वो भी घर का बना हुआ, बहुत ही कम गुड़ डाल के, या फिर वो लेती थी सत्तू की ड्रिंक जो कि प्रोटीन का बड़ा ही अच्छा सोर्स है, या फिर वो कभी कभी लेती थी फ्रूट्स जिस दिन उन्होंने स्मूदी ना ली हो। फ्रूट्स के ऊपर वो स्प्रिंकल करती थी फ्लैक्स सीड्स का पाउडर। ये आपकी डाइजेशन को बड़ा ही अच्छा करता है, आपके इंटेस्टाइन्स को क्लेंस करता है, और तो और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से भी निजात दिलाता है। तो इस तरह से रश्मि जी अपना मिड मॉर्निंग स्नैक जरूर लेती थी 11 बजे। अब रश्मि जी 2 बजे रोज अपना घर आके खाना खाया करती थी। तो रश्मि जी को लंच टाइम में चाहे चावल दें या रोटी, सब कुछ सीमित मात्रा में ही दिया जाता था। उनको बैंगन का भरता बहुत ही पसंद था, तो कभी कभी बैंगन का भरता है, रोटी है, साथ में 1 कटोरी दाल, और उनको सैलेड अलाउड था। उसके अलावा जिस दिन उनको चावल खाने का मन है, उनको
पुलाव अलाउड था एक कटोरी भर के, और उसके साथ में ढेर सारी सब्जियां या फिर राजमा छोले इस तरह से। लेकिन क्योंकि रश्मि जी बहुत ही चटोरी हैं, उनको मजा आता है चाट और चटपटा खाना खाने में, तो उनको मैंने स्पेशली ये वाली रेसिपी ट्राई करवाई जो की है सफेद चने के चाट। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, झटपट मिनटों में बनके तैयार हो जाती है और बहुत ही फिलिंग हाई प्रोटीन रेसिपी है। आइए जल्दी से दिखाऊं आपको इसकी रेसिपी। तो आइए, ये वाले चना चाट बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे पैन के अंदर छोटा चम्मच तेल का, फिर डालेंगे हींग और जीरा। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अजवाइन की सीड्स, थोड़ा सा अदरक डालेंगे कूट के या फिर उसको बारीक बारीक काट के। अब हम डाल देंगे इसके अंदर मेथी के पत्ते डालेंगे और ढक के पकाएंगे इसको चंद मिनटों के लिए। फिर मैंने उबले हुए जो सफ़ेद मटर हैं चना कुलचा वाले, उस वाले मटर को अच्छे से उबाल लिया था, अब उसको हमने पैन में डाल दिया है। साथ में मैं डाल रही हूं नमक, हल्दी और मैं डाल रही हूं धनिया का पाउडर और लाल मिर्ची का पाउडर। आप चाहें तो इसके अंदर और भी कोई स्पाइस अपनी मनपसंद ऐड कर सकते हैं। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जैसे ही ये ठंडा हो जाए तो चाहे तो पैन के अंदर ही ये वाली बारीक बारीक कटी हुई सब्जियां ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्याज है, शिमला मिर्च है, खीरा है, टमाटर है और खूब सारा हरा धनिया। साथ में डाल देंगे इसके अंदर नींबू और चाट मसाला। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और ये देखिए आपकी बढ़िया सी चाट बनकर है तैयार। बस इसको अनार डाल के गार्निश कर दीजिएगा और ये आप आराम से ले सकते हैं। और कभी कभी रश्मि जी लिया करती थी लंच के टाइम पे मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी या फिर पनीर की सब्जी के साथ रोटी, या फिर कभी कभी वो लेती थी काठी रोल, जो की रेसिपी है ओट्स के साथ में बनने वाली। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, आपको मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे मिल ही जाएगी। और रश्मि जी को बोला गया था कि उनको लंच को खाने के ठीक एक घंटे बाद लेना है एक कप ग्रीन टी। ये उनको डाइजेशन में बहुत ही ज्यादा मदद करता था और वाकई ही में अच्छे रिजल्ट्स आने भी शुरू हो गए थे। रश्मि जी इतनी ज्यादा खुश हुई ये रिजल्ट्स देख के कि वो रोज अपने खाने के एक घंटे बाद ग्रीन टी जरूर लेती थी। आप लोग भी चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। अब शाम को 4 और 5 बजे के बीच में ज्यादातर उनको चाय पीने का शौक था, लेकिन मैंने उनकी चाय छुड़वानी चाहिए क्योंकि उनको बहुत ज्यादा इनडाइजेशन और इसी से रिलेटेड बहुत सारी और प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। तो मैंने उनको बोला कि आप चाय वाय छोड़िए, बढ़िया से अपने लिए नारियल पानी पीजिए, साथ में मैं देती हूँ आपको नट्स, जो ये रात को खा रही थी मैंने इस समय पे देना पसंद किया और ये तो रश्मि जी को एकदम परफेक्ट सूट करा। अब रश्मि जी मथुरा से हैं, उनको टिक्की खाना बहुत ज्यादा पसंद है, तो बस डिनर के टाइम पे मैं देती थी उनको बढ़िया बढ़िया टिक्की की रेसिपीज। कभी बीटरूट की टिक्की हो, राजमा की टिक्की हो, काले चने की टिक्की हो या फिर हो उनकी फेवरेट घिया और ओट्स की टिक्की, उन्होंने तो बहुत इंजॉय करके खाया अपना खाना और बेहद खुशी से खाते खाते अपना वेट लूज भी करा। तो ये सारी रेसिपीज आपको मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से। और बाकी के ऑप्शंस में रश्मि जी को दिया गया था दाल पालक एज ए डिनर ऑप्शन, जो बहुत ही अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है, या फिर उनको दिया था रागी का चीला। ढेर सारी सब्जियां डाल के वो बनाती थी अपने लिए रागी का चीला और बहुत ही अच्छी और टेस्टी तरीके से अपना डिनर खाती थी। या फिर कभी कभी वो ले लेती थी इडली, जो कि बनी होती थी ओट्स की। और या कभी कभी उन्होंने खाया था दलिया, खूब सारी सब्जियां डाल के दलिया बना के उनको अलाउड था खाना। तो अगर आप भी इसी तरह से हेल्दी तरीके से अपना खाना खाएंगे, डिनर अपना 7 बजे तक अगर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, तो जरूर आपका भी वेट लॉस होगा, क्यों नहीं होगा। तो अब इसी के साथ रश्मि जी का पूरे दिन का डाइट प्लान होता है समाप्त। लेकिन सोने से एक घंटा पहले रश्मि जी को मैंने बोला था कि चाहे वो एलोवेरा का जूस ले या फिर आमला का जूस ले, बहुत ज्यादा मदद मिलती है, और ये उन्होंने लिया भी और वाकई कमाल हो गया, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। अब वो आराम से 5 से 6 किलोमीटर चलती हैं दिन में, जहां पहले वो जमीन पे भी नहीं बैठ पा रही थी। तो यही वाला डाइट प्लान अगर आप लोग भी फॉलो करेंगे उन छोटी छोटी टिप्स के साथ में, जैसे जैसे रश्मि जी ने फॉलो किया, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आइए पहले सुनते हैं रश्मि जी से, जब उनका प्लेटो हिट हो गया था 67 kg पे, तब उन्होंने क्या किया। एक बार मेरा वेट सेकंड मंथ जब मेरा स्टार्ट हुआ था, उस टाइम 67 पे स्टक हो गया था, तो मैं बहुत डिसअपॉइंट थी।
क्योंकि मैं 10 kg ऑलमोस्ट 10 to 13 kg मैं ऑलमोस्ट कर चुकी थी, तो मुझे लगा ये टाइम ऐसा है कि इस टाइम के बाद मेरा रिड्यूस होगा ही नहीं, ये मेरा लास्ट टाइम है। तो वो एक महीने तक मैं स्ट्रगल थी, उसमें आपने मुझे इतना मोटिवेट किया कि रश्मि छोड़ दो इस चीज को, आप वेट भी मत करो, छोड़ दो इसको, दिमाग से निकाल दो। तो अब मैं बहुत इस चीज को लेकर नेगेटिव हो गई थी, लेकिन वो नेगेटिविटी भी हमारा वेट बढ़ा देती है। वो जो फेज था मेरा बहुत डिप्रेसिंग वाला फेज गया था, फिर आपने मुझे उस टाइम पे बहुत मोटिवेट किया कि छोड़ दो, मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूँ, जो कुछ खाना है खाओ, कुछ नहीं करना आपको। तो उस टाइम पे फिर मैंने वो 7 days के लिए बिल्कुल छोड़ दिया, वेट भी नहीं लिया मैंने। उसके बाद देखा तो मेरा सडनली 65 था जब मैंने चेक किया, तो वो मेरा बहुत टाइम जो था बहुत गंदा वाला टाइम था, और अच्छा वाला टाइम यह था कि उसके बाद मैंने 2 kg कम कर लिया था, वो बहुत अच्छा था। इन सारी चीजों को करने के अलावा रश्मि जी ने पूरे दिन में 3 से 4 लीटर पानी भी पिया और रोज समय से सोई भी और उठी भी। बस इतना ही करना है, सिर्फ आपने अपने सिस्टम को थोड़ा सा डिसिप्लिन तौर से चलाना है जब वेट लूज करना चाहते हैं। तो बहुत ही जल्दी आपका सिस्टम ही आपको वेट लूज करने में हेल्प करेगा। अब जल्दी से ये वाला डाइट प्लान लिख लीजिएगा, फॉलो करिएगा और उन लोगों के साथ भी शेयर करिएगा जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, लेकिन उनके काम ये वाला वीडियो जरूर आ सकता है। वैसे तो आपके साथ मैंने सारा डाइट प्लान शेयर कर ही दिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ी और मेहनत की जरूरत है जो शायद आपसे अकेले नहीं हो पाएगी, तो आप मेरा वेट लॉस प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरी टीम आपको गाइड करेगी और मिलजुल के आपको हम लोग पतला कर ही देंगे। और जो लोग इस वीडियो में अंत तक बने हैं तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। मैं मिलूंगी आपको बड़े सारे ढेर सारे एक्साइटिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर।